तक तैयार होगी? वो तो बड़े अरसे से तैयार है, जाने की जगह ढूंढ रही है। ठीक है, मैं बाहर गाड़ी में इंतजार रुको। कर। खुदा का रास्ता है गुड्डी, आज मेरे साथ कोई ऐसी वैसी बात मत करना। मेरी बर्दाश्त के जिस्म में बिल्कुल जान नहीं है, अपनी ही सांसें अपने ही कानों में शोर की तरह चुभ रही है मुझे। तुम रोयो? हाँ, तुम्हारी आंखों की सुर्खी चकराते की नहीं है, साफ नजर आ रहा है। पहले जहन और दिल पर दबाव पड़ा, फिर आंखों की पुतलियां सिमटी और फिर देर तक आंसू बहते रहे। ये देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तकलीफ जैसा लग रहा है। हमें निकलना होगा। हमें नहीं, तुम्हें। समझे तो मैं बाजी का सामान गाड़ी में रखवा दू। सुने, वो मैं इसको एक और बार उठा सकती हूँ? अभी घबरा मैं नहीं थी, क्यों नानी अपना ख्याल रखना। तुम जानते थे मुन्ना? नहीं, शुक्रिया अदा करने के लिए आया। मैंने अपने जमीर का गला खुद अपने हाथों से खोल दिया। तुम्हारे जमीर से मेरा कोई लेना देना नहीं। खैर, लेना देना तो तुमसे भी नहीं, और ये कहता बहुत घटिया लगूंगा, लेना देना तो तुम्हारी बहन से भी नहीं। ड्यूटी है, पूरी ईमानदारी से करूंगा। तो फिर शुक्रिया के लफ्ज जाया क्यों कर रहे हैं? आपको मैं आपका शुक्रिया वापस देता हूं, संभाल के रखिएगा, खान साहब की खुशामद में काम आएगा। नहीं नहीं नहीं, इस शुक्रिया पर तुम्हारा पूरा हक है। तुम्हारे हां कहने के बाद खान साहब के चेहरे पर जो सुकून है, उसके बदले अगर कोई इंसान दिल के बगैर बच जाता, मरता नहीं, तो नजराने में ये दिल निकाल कर तुम्हारे हाथ में रख देता। पर दिल के बगैर बचना मुमकिन नहीं, इसलिए शुक्रिया से काम चला लो। खावर चाचू, आपने अम्मी को देखा है? जी बेटा, बहुत दफा देखा है। मजाक ना करे ना, देखे ये शादी वाली कमीज कितनी लूज है यहाँ से। माशाल्लाह, कितनी खुश है मेरी बच्ची, शाम को निकाह है और अभी से तैयारियां कर रही है। पर मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। शायान, तुम देख के बताओ। हाँ देखिए ना, यहाँ से कितनी लूज है और लंबाई भी बिल्कुल ठीक नहीं है। भाई बोलो, इंतजार कर रही हो तुम्हारा।
दादा